डॉक्टर स्वीटी आयुर्वेदा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है गुटसाल रूल। तो गुटसाल रूल जो है, मेरे वीडियो को देखने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पहले हम जो है गुटसाल रूल के बारे में थोड़ा सा थ्योरी में, मतलब उसके बारे में जानेंगे, देन उसके बाद में वीडियो के लास्ट में आपको डायग्रामेटिक फॉर्म में भी बताऊंगी कि गुटसाल रूल होता क्या है, ठीक है। इसलिए मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें, इसे स्किप ना करें, ठीक है। तो अब सबसे पहले गुटसाल रूल यूज़ क्यों होता है, तो ये जो है एग्जामिनेशन ऑफ फिस्टुला, ठीक है, फिस्टुला के एग्जामिनेशन में यूज़ होता है। तो फिस्टुला होता क्या है, फिस्टुला जो है एनल रीजन में होने वाला एक डिजीज़ है, ठीक है, जो कि एनल रीजन में होता है। और ये जो डिजीज़ है इसकी टू ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। तो इस रूल के द्वारा हम ये देखते हैं कि हम इसमें क्या पहचान क्या देखते हैं कि ये जो है रिलेटेड टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल ओपनिंग, यानी कि एक्सटर्नल और इंटरनल ओपनिंग से ये रिलेटेड है। इसमें क्या करेंगे, एक्सटर्नल ओपनिंग को देखकर हम इसमें ये पता लगाएंगे कि जो ये, मतलब इसका जो रूट है वो स्ट्रेट है या कर्व्ड है, या फिर इसका जो इंटरनल ओपनिंग है वो एंटीरियर साइड में होगा या फिर वो पोस्टीरियर साइड में होगा। तो ये जो रूल है हमें ये बताता है कि फिस्टुला का रूट कैसा है और उसकी ओपनिंग कहाँ पर होगी। तो आइए हम देखते हैं। तो देखो, एग्जामिनेशन ऑफ फिस्टुला, जो गुटसाल रूल है ये एग्जामिनेशन ऑफ फिस्टुला के लिए यूज़ होता है, जो कि एनल रीजन में पाई जाने वाली एक डिजीज़ है। इसमें क्या होता है, इट इज़, अब जो गुटसाल रूल है वो क्या करता है, रिलेटेड टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल ओपनिंग, यानी कि ये एक्सटर्नल और इंटरनल ओपनिंग के बारे में बताता है, यानी कि एक्सटर्नल ओपनिंग को देखकर हम इंटरनल ओपनिंग का पता लगाते हैं और फिर साथ ही साथ में उसके रूट का भी हमें क्या होता है, नॉलेज होता है कि वो स्ट्रेट है या फिर कर्व्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें क्या होगा, पहले जैसे पेशेंट है उसको हम क्या करेंगे, लिथोटोमी पोजीशन में लिटाएंगे। तो जब हम उसे लिथोटोमी पोजीशन में लिटाएंगे तो क्या होगा, ये उसका एनस है, तो ये उसके एनस का एक एंटीरियर पोर्शन है और ये पोस्टीरियर है। तो क्या करेंगे, जो ये एनस है इसके बीच में ड्रॉ एन इमेजिनरी लाइन इन मिड, यानी कि एनस के मिड में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे ये है इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसमें क्या देखेंगे, अगर एंटीरियर में विद इन 3.75 सेंटीमीटर में अगर एक्सटर्नल ओपनिंग, यानी कि जो हमें बाहर से जो ओपनिंग दिख रही है, अगर वो ओपनिंग एंटीरियरली होता है विद इन 3.75 सेंटीमीटर, यानी कि अगर हम इसको देखें तो थ्री, यानी कि एंटीरियर साइड में 3.75 सेंटीमीटर के अंदर अगर कोई ओपनिंग है, ठीक है, एक्सटर्नल ओपनिंग है, तो वो कैसी रहेगी, वो डायरेक्ट है, यानी कि उसकी जो इंटरनल ओपनिंग है वो डायरेक्टली एंटीरियर में ही खुलेगा और उसका जो पाथ है वो क्या होगा, डायरेक्ट होगा, ठीक है, यानी कि स्ट्रेट, यानी उसका पाथ जो है वो डायरेक्ट है, जो कि स्ट्रेट होता है। नेक्स्ट उसके बाद है कि इसमें अगर पोस्टीरियर साइड में कोई ओपनिंग है, ठीक है, पोस्टीरियर साइड में अगर कोई ओपनिंग है, यानी कि ये पोस्टीरियर साइड है, अगर पोस्टीरियर साइड में कहीं पर भी कोई ओपनिंग है तो वो इनडायरेक्ट है, यानी कि कर्व्ड है, यानी कि जब उसकी इंटरनल ओपनिंग जो होगी वो कर्व्ड होके अंदर, यानी कि वो कर्व्ड होके, इंटरनल ओपनिंग जो है उसकी कर्व्ड होके जाएगी, वो जो है बहुत सारा, मतलब वो स्ट्रेट नहीं जाएगा, उसका पाथ बहुत ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, या बहुत ज़्यादा जो है घुमावदार भी हो सकता है, यानी कि बहुत सारी स्ट्रक्चर्स को वो इन्वॉल्व कर सकती है, ठीक है। लेकिन अब जो ये रूल है इसका एक एक्सेप्शन भी है। इसका एक्सेप्शन क्या है कि अगर एंटीरियर साइड में, ठीक है, यानी कि जो एंटीरियर साइड है, एंटीरियर साइड में अवे फ्रॉम 3.75 सेंटीमीटर, यानी कि अगर एक्सटर्नल ओपनिंग अवे होती है 3.75 सेंटीमीटर, यानी कि एंटीरियर में 3.75 सेंटीमीटर दूर में अगर कोई ओपनिंग है, तो उसका जो इंटरनल रूट होगा, यानी कि जो उसकी इंटरनल ओपनिंग होगी वो हमेशा पोस्टीरियर में ही होगी, ठीक है, पोस्टीरियर, मतलब वो क्या होगी, वो पोस्टीरियर में होगी और उसका जो पाथ है वो कर्व्ड होगा, यानी कि वो इनडायरेक्ट होगा, ठीक है। तो यानी कि इसकी जो इंटरनल ओपनिंग होगी वो पोस्टीरियर होगी और कैसी होगी, कर्व्ड होगी। आइए अब हम देखते हैं इसको डायग्राम में। तो जैसे पेशेंट लिथोटोमी पोजीशन में लेटा है और ये उसका एनल कैनाल है, मतलब एनस है, तो जैसे ये एनस है, एनल रूट, ठीक है, तो एनल रूट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे मिड में,
ठीक है। मिड में हमने क्या किया, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया। अब इसमें क्या करेंगे, ये इसका एंटीरियर पोर्शन है और ये इसका पोस्टीरियर पोर्शन है, ठीक है। तो अभी हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि अगर एंटीरियरली, जैसे कि ये एनस है, ठीक है, तो एंटीरियरली अगर 3.75 सेंटीमीटर के अंदर कोई एक्सटर्नल ओपनिंग है, ठीक है, एक्सटर्नल ओपनिंग है, तो वो कैसे खुलेगी, वो डायरेक्ट आकर एंटीरियर में ही स्ट्रेट खुलेगी, यानी कि उसकी जो इंटरनल ओपनिंग है वो बिल्कुल कैसे रहेगी, स्ट्रेट रहेगी। ठीक ऐसे ही अगर पोस्टीरियर में कोई एक्सटर्नल ओपनिंग है, ठीक है, पोस्टीरियर में अगर कोई एक्सटर्नल ओपनिंग है तो वो हमेशा कैसे खुलेगी, कर्व्ड होकर ही पोस्टीरियर में खुलेगी, यानी उसका जो पाथ होगा वो स्ट्रेट नहीं होगा, उसका पाथ कैसा होगा, कर्व्ड होगा। अब इसमें हमने एक्सेप्शन देखा था कि अगर एंटीरियर साइड में, जैसे हम ये देख सकते हैं कि जैसे ये 3.75 सेंटीमीटर के अंदर था, तो जैसे ये हमने एक इमेजिनरी और सर्कल ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, जैसे ये इमेजिनरी हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है, इसमें क्या होगा, इसमें हम देखेंगे कि अगर ये जो डिस्टेंस है ये 3.75 सेंटीमीटर, यानी कि 3.75 सेंटीमीटर से ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये 3.75 सेंटीमीटर है, तो इससे अवे जाकर, ठीक है, इससे अवे जाकर क्या होगा, अगर कोई एंटीरियर साइड में एक्सटर्नल ओपनिंग है, ठीक है, तो वो जो है उसका जो इंटरनल ओपनिंग होगा वो हमेशा क्या होगा, पोस्टीरियरली ही होगा, ठीक है, कैसे होगा, पोस्टीरियरली ही उसका जो ओपनिंग है वो कैसे है, पोस्टीरियरली होगा। ठीक है, तो यानी कि ये जो एंटीरियर साइड में होते हुए भी इसका जो पाथ है, यानी कि ये डायरेक्ट ना होके कैसा है, इनडायरेक्ट है, ठीक है, और इसका जो पाथ है वो कैसा है, कर्व्ड है, स्ट्रेट नहीं है, ठीक है। तो यही जो है गुडसाल रूल है, जिसमें हमें इसका पाथ पता चलता है, ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, इसकी एक्सटर्नल और मतलब एक्सटर्नल ओपनिंग को देख के इंटरनल ओपनिंग का पता चलता है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी ये आपका गुडसाल रूल है, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, ठीक है, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।